So as we know according to Euclid division lemma, according to Euclid division lemma, any number A can be written in the form BQ plus R. ठीक है तो यहाँ पर ए हमको क्या होगा ए विल बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बी विल बी डिविजर क्यू विल बी क्वेश्चन एंड आर विल बी रिमाइंडर ओके सो हमें सॉल्व कर रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव इंटीजर उसका जो क्यूब है वो नाइन एम नाइन एम प्लस वन और नाइन एम प्लस एट के फॉर्म का होगा सो so इसके लिए हम क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे लेट ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर वेयर बी इज इक्वल टू थ्री ओके okay. सो so, अगर बी इज इक्वल टू थ्री है मीन्स डिवीजर अगर थ्री है और किसी इंटीजर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ़ रिमाइंडरस हैं वो क्या हो सकती हैं ज़ीरो वन एंड टू हो सकती हैं ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब इसके बाद हम रिमाइंडर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेके और ए का क्यूब करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसकी क्या फॉर्म हमें मिलती है तो सबसे फर्स्ट केस हम लेंगे वेन रिमाइंडर हमने किसी इंटीजर को थ्री से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आता है जीरो ओके तो इस केस में ए इक्वल टू क्या होगा ए इक्वल टू होगा थ्री क्यू प्लस आर और अगर हम इसका क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस आर का क्यूब और आर इक्वल टू जीरो है तो ए क्यूब इज टू हो जाएगा थ्री क्यू प्लस जीरो का क्यूब और वी कैन से दैट ए क्यूब विल बी इक्वल टू थ्री क्यू का क्यूब और ए क्यूब में से अब देखो नाइन एम के फॉर्म का लेना है तो हम नाइन कॉमन ले लें थ्री का क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन और यहाँ से क्यू क्यूब हमें मिल जाएगा क्लियर है सो ए क्यूब जो है वो इक्वल होगा किसके नाइन एम के और वेयर एम इज इक्वल टू थ्री क्यू क्यूब ओके सो फर्स्ट हमने देखा कि ए क्यूब जो है वो किस फॉर्म का था नाइन एम के फॉर्म का था सेकंड, अब हमें क्या करना है आर इक्वल टू वन ले कर चलना है तो आर इक्वल टू वन के केस में ए क्यूब विल बी इक्वल टू थ्री क्यूब प्लस वन का क्यूब क्लियर तो अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थ्री क्यू का क्यूब प्लस वन क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री क्यू इंटू बी स्क्र ओके प्लस थ्री इंटू थ्री क्यू का स्क्वेयर इंटू वन ओके सो यहाँ पे फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर प्लस थ्री ए स्क्र बी ओके सो ए क्यूब जो है वो इक्वल होगा किसके ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब प्लस वन प्लस ये हमें किसके इक्वल मिलेगा वन का स्क्वायर तो वन ही होता है तो ये हो जाएगा नाइन क्यू और प्लस थ्री क्यू का स्क्वायर होता है नाइन क्यू स्क्वायर इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्वायर क्लियर नेक्स्ट जो स्टेप हमें करना है इसमें हम क्या करेंगे जहाँ पर भी हमें नाइन कॉमन आ सकता है वो सारी टर्म हम एक साथ लिख लेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा प्लस ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्वायेर प्लस वन तो ए क्यूब विल बी इक्वल टू नाइन कॉमन ले लो तो यहाँ से नाइन कॉमन लेंगे ट्वेंटी सेवन में से तो कितना आएगा थ्री क्यू क्यूब यहाँ से नाइन कॉमन लेंगे तो वन और यहाँ से नाइन कॉमन लेंगे तो थ्री क्यू स्क्वायेर प्लस वन ओके सो हम इसको ए क्यूब को लिख सकते हैं नाइन एम प्लस वन वेयर एम इज इक्वल टू थ्री क्यू क्यूब प्लस थ्री क्यू स्क्वेयर प्लस वन ओके सो यहाँ से ए क्यूब का जो हमें फॉर्म मिला वो क्या मिला नाइन एम प्लस वन के फॉर्म का मिला क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट आई होप कि नहीं होगा नेक्स्ट हमें आर की जो वैल्यू लेनी है आर इजक्वल टू हमें कितना लेना है थर्ड केस में आर इजल टू हमें लेना है टू ओके सो ए इजक्वल टू कितना हो जाएगा ए इजक्वल टू हो जाएगा थ्री क्यू प्लस टू का ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू का क्यूब सो फिर से अगेन फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा थ्री क्यू का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर ओके सो ए क्यूब इज टू थ्री का क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब हो जाएगा प्लस एट प्लस ये भी हो जाएगा आपको ट्वेंटी सेवन इंटू टू यहाँ पर है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में थ्री थ्री जै नाइन एन टू एटीन क्यूब ओके सो इस एट को आप रीअरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब प्लस ट्वेंटी सेव फिफ्टी फोर सॉरी फिफ्टी फोर क्यू स्क्वेर प्लस एटीन क्यू और प्लस एट ये वाला एट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो ए क्यूब जो है उसमें से अब इन तीनों में से हम क्या करेंगे नाइन कॉमन ले लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा थ्री क्यू क्यूब प्लस सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस टू क्यू प्लस एट अब ये पूरी टर्म किसके इक्वल होगी एम के तो ए क्यूब विल बी इक्वल टू नाइन एम प्लस एट वेयर m is equal to 3q cube, cube plus 6q square plus 2q okay clear hai? so we have seen that cube of any positive integer is of the form of 9m 9 9m 9 plus 1 and 9m plus 8 okay so we can write so cube of any positive integer can be written in form nine M, nine M plus one, and nine M plus eight. Okay. तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ओके सो गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू हैव ए नाइस डे